लॉरस लैब देखिए सर, सर लॉरस लैब अभी का अभी वाला बाई वाला स्टॉक है, इसको इमीडिएटली बाई किया जा सकता है। बस एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना रहेगा, 596 का स्टॉप लॉस दीजिए, पहला टारगेट 649, दूसरा टारगेट 690 का रखिए, एक से दो हफ्ते का नजरिया रखिए। ठीक है, अगर 6 महीने का नजरिया हो मेरा तो सर 6 महीने का नजरिया वाला ये वैसे स्टॉक है नहीं है, बट अगर 6 महीने का नजरिया है तो वही आपको, 6 महीने का अगर नजरिया है तो आपको थोड़े से स्टॉप लॉस को डीप करने होंगे। अब आप स्टॉप लॉस को बढ़ा दीजिए, आपके स्टॉप लॉस को बढ़ाना होगा आपको 570 तक, 565 तक, और रखिए तब 6 महीने के हिसाब से 750 का टारगेट के लिए रखिए। बट अभी फिलहाल में इसमें एक छोटा सा ब्रेकआउट बन रहा है, तो ये ऊपर के जो मैंने लेवल्स बोले वहां तक ही जा सकता है, बट ये लंबी अवधि के नजरिया वाले स्टॉक मेरे को ये लगता नहीं। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आता है वो कह रहे हैं विकास सर, क्योंकि चार्ट्स में अभी भी कहीं वो वाले लेवल्स को ब्रेक करता हुआ जब तक नहीं निकलेगा ना, 700-750 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कहीं ना कहीं लंबी नजरिया, लंबे टाइम का नजरिया थोड़ा बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो शॉर्ट टर्म वाली, तो वो उठा सकते हैं, वो आपके सामने है सर।